Hello everyone, this is Ashishan. In this video, we will do practice question on cost sheet. So, देखिए हमने last class में cost accounting का हमने briefly एक theoretical concept देखा था कि cost accounting में हमें क्या क्या पढ़ना है, cost accounting क्या objective क्या था, इसका क्या objective है. आज हम इसका पहला chapter करने जा रहे हैं, that is cost sheet. तो देखिए cost sheet का मैंने आपको last video में भी मैंने आपको थोड़ा सा इसका format बताया था कि इसका फॉर्मेट क्या होता है. तो पहले देखिए हमने फॉर्मेट में देखा था कि पहले हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने पड़ते हैं, दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस. फिर उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल गेट प्राइम कॉस्ट एंड देन वी विल ऐड ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. फर्स्ट वन इज फर्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड, देन ऑफिस एंड एडमिशन ओवरहेड एंड देन सेलिंग ओवरहेड. देन आफ्टर एडिंग ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वी विल गेट cost of sale or total cost and we will add the amount of profit and then after that we will get the final amount of sale. So let's start with the first question of cost sheet. So देखिए पहले हम question बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. Question number one, the following extract of cost accounting cost information relates to commodity A for the half year ending 31st March 2021. क्या गिवन है, देखिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. आपको देखो अब याद होगा, देखिए जैसे जैसे कोई भी टर्म देखोगे आपके माइंड में तभी एक कहते क्लिक होना चाहिए ये टर्म आपने कहाँ पढ़ी थी कॉस्ट शीट में. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमने कहाँ पढ़ा था, रॉ मटेरियल कंज्यूम में आएगा. देन फैक्ट्री रेंट नाम से सजेस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा. देन इन कैरेज इनवर्ड आपको अच्छे से पता है ये एक क्या है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस है. अदर फैक्ट्री ओवरहेड अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट वेजेस लेबर कॉस्ट आपकी है, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया आपका, ये अमाउंट इन रुपीज 1 लाख. देन गिवन आपको कॉस्टिंग, देखो आप यहाँ देखो यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है कि हाफ ईयरली बेसिस पे है, एंड कब हुआ ये 31st of March 2021, दैट मीन्स बिगिन कब हुआ होगा ये अगस्त में, सॉरी अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च फॉर द 6 मंथ्स हाफ ईयर बेस पे है. दैट मीन्स ये जो रॉ मटेरियल गिवन है दैट इज 20,000, ये क्या गिवन होगा आपको, ये ओपनिंग स्टॉक. फिर ये उसी सेम डेट पे आपको फिनिश प्रोडक्ट गिवन है जिसकी क्वांटिटी कितनी है 1,000 टन्स, दैट मीन्स ये आपको ओपनिंग फिनिश गुड्स की क्वांटिटी दे रखी है 1,000 एंड उसका अमाउंट कितना है 15,000. नाउ कम टू द राइट साइड, अगेन आपको अब ये दिया हुआ है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना है 22,240 एंड देन क्लोजिंग फिनिश गुड्स दैट इज 32,000. नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना गिवन है 4,000. देन वर्किंग प्रोग्रेस गिवन आपको ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग एंड देन द फाइनल अमाउंट ऑफ सेल्स गिवन है. तो आपको देखिए सेल्स गिवन है, दैट मीन्स आपके माइंड में तभी आना चाहिए कि सब कुछ गिवन है. आपको क्या गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है, सबको ऐड करेंगे क्या आएगा आपके पास, आपके हाथ में टोटल कॉस्ट. सेल आपको गिवन है, दैट मीन्स आपको क्या निकालना होगा, प्रॉफिट. अच्छा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन आपको, एडवर्टाइजिंग डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट आर ₹1 per ton, दैट मीन्स ये गिवन है आपको सेलिंग को सेलिंग ओवरहेड, यानी कि बेचने में जो खर्च हुआ ये सब खर्चे हुए कितने हुए ₹1 per ton, यानी कि जितने सेल करी होगी उसका ₹1 ton के हिसाब से जो है खर्चा हुआ. फिर लिखा हुआ है 16,000 tons ऑफ कमोडिटीज वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड. प्रोड्यूस कितने हुए 60,000. देखिए पूरे क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक्चुअली अमाउंट ऑफ क्वांटिटी यानी कितने क्वांटिटी जो सेल करी है वो हमें निकालना पड़ेगा, वो हम निकाल लेंगे. ठीक है, तो पहले तो हम कॉस्ट शीट में फॉर्मेट बना के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. कॉस्ट शीट particulars details amount. तो पहले देखिए हमारे पास देखिए कॉस्ट शीट में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस.
एंड डायरेक्ट एक्सपेंसिस क्या होते हैं, समेशन ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ऑल द काइंड्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंसिस, ऑल काइंड ऑफ डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसिस, ऑल काइंड ऑफ ऑल अदर डायरेक्ट एक्सपेंसिस। तो पहले लिखेंगे हम मटेरियल से रिलेटेड। तो देखिए मटेरियल से रिलेटेड वो क्या गिवन रहा है कि आपको ओपनिंग स्टॉक पहले वो लिखेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक देखिए कितना गिवन था आपको। देखिए मैं आप यूट्यूब चैनल पे देखे हैं तो देखिए मैं चाहूँगा कि आप ये पहले इसको पॉज करके पूरा क्वेश्चन या तो नोट डाउन कर लो या तो इसकी एक एक पिक जो है क्लिक करके अपना साइड में क्वेश्चन को देखते रहो, ठीक है। सो देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है, 20,000। डिटेल्स में लिखेंगे, देन एड परचेजेस, परचेजेस अमाउंट देखिए कितना है, 1,20,000। देन लेस क्या करते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम प्लस माइनस क्यों करते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो एक बार आ जाके आप देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है, ये गिवन देखो राइट साइड में 22,240, ये हम लेस करेंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका टोटल लिख देते हैं, ये टोटल आ जाएगा आपका इसका 1,17,716। अब देखिए इसके बाद कोई और एक्सपेंसेस देखें, देखिए लेफ्ट साइड में पहले देखते हैं फैक्ट्री, ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट है, कैरेज इनवर्ड, यस ये डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये ऐड करेंगे हम, कैरेज इनवर्ड। अमाउंटिंग रुपीज 1,140। इसके बाद एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यस डायरेक्ट वेजेस अमाउंटिंग रुपीज 1,00,000। एनी अदर, नो। सो नाउ फाइनली वी विल गेट द अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट। सो सबको ऐड कर देंगे, 2,19,200, ये आपका प्राइम कॉस्ट आ गया। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहले क्या लिखते हैं हम, देखिए ऑल काइंड्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखिए क्या गिवन आपको, फैक्ट्री रेंट गिवन है एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स भी गिवन है। फैक्ट्री रेंट गिवन आपको 8,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन आपको 40,000। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स अमाउंटिंग रुपीज 40,000, देन एड फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स अमाउंटिंग रुपीज 8,000, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेट आपको अच्छे से पता है, इसके बाद हम क्या ऐड करते हैं, ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग। पहले देखते हैं गिवन है, वर्किंग प्रोग्रेस आपको, हाँ जी गिवन है, देखिए राइट साइड में देखिए ओपनिंग कितना गिवन है 4,800 एंड क्लोजिंग कितना गिवन है 20,000। सो फर्स्ट वी विल ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस अमाउंटिंग रुपीज 4,800 एंड देन लेस क्लोजिंग
work in progress amounting rupees 20,000. देखो आपको पता होना चाहिए विद लॉजिक कि हमने यहाँ पर जो है क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि ये इस पीरियड में काउंट नहीं हो रहा, ये नेक्स्ट पीरियड में ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो इस पीरियड में इसकी कॉस्ट तो हम ऐड कर ही नहीं सकते। हम क्या निकाल रहे हैं कॉस्ट शीट में, हम निकाल रहे हैं पर्टिकुलर जो भी कॉस्ट जो बाहर हो रही है, यानी कि फिनिश गुड्स निकल रही है, उसको बनाने में टोटल हमारा कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। बट इस वर्किंग प्रोग्रेस तो हम इस पर लेके नहीं जा रहे, ठीक है। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा हो गया हो या इसकी डिमांड ना हो, ठीक है। तो इस वर्किंग प्रोग्रेस को हम जो है नेक्स्ट पीरियड के लिए हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी जितना भी खर्चा होगा उसको भी हम एक्सक्लूड कर देंगे, इसलिए हमने यहाँ पर इसको माइनस किया हुआ है। सो दैट्स इट। आफ्टर दैट वी विल गेट द फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट, अच्छा इसका एक और नाम है, दैट इज वर्क कॉस्ट। इनका टोटल करेंगे, ये टोटल हो जाएगा आपका इसका 32,800, ठीक है। नाउ आप देखिए इसका टोटल करेंगे अब हम इन दोनों का, एक तो प्राइम कॉस्ट का ऐड करेंगे एंड वर्क कॉस्ट का, इसका टोटल भी हम कर देते हैं। ये टोटल आ जाएगा आपके पास 2,52,000। तो फैक्ट्री तक हमारे सारे जो खर्चे हो चुके हैं। अब हम आएंगे धीरे धीरे लेवल आगे बढ़ेंगे, अब किस में आएंगे ऑफिस एंड एडमिशन ओवरहेड में आएंगे। तो देखिए स्लिड क्या खर्चे दिखा क्या गिवन आपको, देखिए राइट साइड में गिवन आपको एडमिशन ओवरहेड, तो ये ऐड बैक करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, कितना गिवन आपको ये 4,000। अच्छा आई थिंक इसमें तो कुछ गिवन भी ही नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसको तो हम बाहर भी ले सकते हैं, बिकॉज इसके बाद हमें क्या मिलेगा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको ऐड करेंगे एंड देन वी विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज 2,56,000। दैट मीन्स प्रोडक्शन के जितने भी खर्चे होने थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। दैट मीन्स आफ्टर दिस लेवल वी विल नॉट एड एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अब क्या आएगा, देखिए गुड्स बनकर तैयार रहेंगे फिनिश गुड्स। तो देखिए अब हम वही अपना वही फॉर्मल देखेंगे, वही कंसेप्ट कि ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे एंड क्लोजिंग को माइनस कर देंगे। तो देखिए ओपनिंग फिनिश गुड्स, देखिए अमाउंटिंग कितना लिखा है 15,000 एंड क्लोजिंग कितना गिवन आपको 32,000। सो ऐड करेंगे हम ओपनिंग फिनिश गुड्स एंड लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स अमाउंटिंग रुपीज 15,000 एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स अमाउंटिंग रुपीज 32,000। देखिए घबराने वाली से कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा आपको कंसेप्ट बस अपने कंसेप्ट क्लियर रखिए, बाद में देखिए आपका हाथ बैठ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस अपना सीक्वेंस रखना है इसमें कि पहले सारे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस करने हैं, उसके बाद सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये हम लेस करेंगे, तो इनका टोटल करेंगे ये आ जाएगा आपका 2,39,000। ये क्या जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of goods sold। बस लास्ट में क्या रहेगा, कौन से खर्चे रह गए हमारे सेलिंग ओवरहेड्स की, बस वो ऐड करेंगे। देखिए स्टेटमेंट गिवन थी आपको, इसमें एडिशन गिवन है, देखिए कि एडवर्टाइजमेंट डिस्काउंट अलाउंट एंड सेलिंग कॉस्ट में जो खर्चा हुआ कितना हुआ, ₹1 हुआ पर टन जितना बेचा। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द क्वांटिटी, दैट मीन्स हाउ मच दिस कंपनी हैज सोल्ड आउट द रॉ मटेरियल। सो कितनी कॉमोडिटी उसने सेल ऑफ करी है ये पहले देखना पड़ेगा। देखिए पहले हम देखना पड़ेगा कितनी
प्रोड्यूस हुई टोटल 16,000 ड्यूरिंग दैट ईयर, हाफ ईयर में कितना कितना प्रोडक्शन हुआ 16,000 का। तो देखिए जो बेचेंगे वो कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे, ऑब्वियसली फिनिश गुड्स ही होगा, ठीक है। तो देखिए ओपनिंग कितना था 1,000, आप कितना बनाया 16,000, टोटल कितना हो गया 17,000। आउट ऑफ 17,000 2,000 क्वांटिटी में जो था वो तो हमने निकाल ही दिया, अच्छा सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गया, ये जो फिनिश गुड्स है 32,000, इसका जो क्वांटिटी आएगी वो 2,000 आएगी, ठीक है। मैं आपको इसको करेक्ट करके दे दूंगा, वो 2,000 आएगी। तो देखिए मैं छोटा सा वर्क ही नोट कर रहा हूँ, देखिए ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने थे 1,000, उसके बाद हमने ड्यूरिंग दिस ईयर पीरियड कितना और बनाया 16,000, लेस करेंगे इसमें से हम क्लोजिंग फिनिश गुड्स 2,000, जो 32,000 उसकी क्वांटिटी 2,000 है, दैट मींस सेल ऑफ कितना कर रहे हैं इन दिस पीरियड हम 15,000, ठीक है। तो देखिए सेलिंग ओवरहेड में कितना खर्चा होगा, इसमें हम रुपी वन के हिसाब से, दैट मींस 15,000 ही खर्चा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम सेलिंग ओवरहेड यहाँ पर आप लिख सकते हैं 15,000 मल्टीप्लाई बाय वन अमाउंटिंग रुपीज 15,000, दैट्स इट। टोटल कर देंगे यह आएगा आपके पास 2,54,000, यह आएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल या फिर टोटल कॉस्ट, सेल आपको गिवन ही है, दैट इज 2,99,000। तो देखिए प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपके पास, ये 45,000, ये आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट, दैट्स इट। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ये आपका छोटा सा ये वर्किंग नोट है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड कॉस्ट पर यूनिट, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 1,60,000। अच्छा आपको यहाँ पर आपको डेट गिवन है, दैट मीन ना तो आपको ओपनिंग देखना ना क्लोजिंग देखना ना आपको परचेज देखना, या आपको डेट गिवन है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डेट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना गिवन है 20% ऑफ डेड वेजेस, ऑफिस ओवरहेड कितने गिवन है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, आपको पता है फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट वर्क कॉस्ट कुछ भी हो सकता है, सेलिंग ओवरहेड्स 12,000, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 4,000, यूनिट सोल्ड 3,600, सेलिंग प्राइस कितना है 100 पर यूनिट। तो देखिए हम यहाँ पर दो चीज़ निकालनी है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट। तो पहले वही अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पर भी हम सेकेंड क्वेश्चन, कॉस्ट शीट पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, फर्स्ट का लिखेंगे हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डेट लिखेंगे हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, अमाउंट गिवन आपको 1,60,000, इसके बाद गिवन आपको डेड वेजेस
80,000। अब हमें और कोई किसी भी तरह को कोई डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है, सो नाउ वी विल गेट फाइनल अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो देखिए प्राइम कॉस्ट कितना का टोटल किया जाएगा आपके पास 2,40,000। इसके बाद क्या ऐड करते हैं हम, फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ इसको ओवरहेड्स, आप पूरा ही लिखना। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या वाला, देखिए 20% ऑफ डेड वेजेस, डेड वेजेस कितने 80,000, दैट इज 16,000 हो जाएगा आपका ये। तो मैं इसको आउटर कॉलम ही लिख रहा हूँ क्योंकि और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है हमें। सो नाउ वी विल गेट 2,56,000। ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया फैक्ट्री कॉस्ट, और इसका दूसरा नाम क्या है, वर्क कॉस्ट। इसके बाद हमें क्या ऐड करते हैं बताएं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो देखिए ऑफिस ओवरहेड्स गिवन आपको 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो ऐड बैक करेंगे हम ऑफिस ओवरहेड्स 10% ऑफ कितना गिवन, देखिए 2,56,000 कितना हो जाएगा ये 25,600। ठीक है, तो इसका टोटल करेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 2,81,600। ये आ जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाँ जी। अब देखिए जैसा आपको पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद देखिए क्या था आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अब आप देख सकते हो पूरे क्वेश्चन में आपको ना तो ओपनिंग फिनिश गुड्स गिवन है ना ही क्लोजिंग फिनिश गुड्स, लेकिन क्या आप बताइए अगर गिवन नहीं है तो क्या कोई भी गुड्स क्या बेचा ही नहीं या कभी प्रोड्यूस नहीं हुआ। चलो ओपनिंग समझ आता है कि ओपनिंग क्वेश्चन हो, लेकिन क्लोजिंग कुछ तो हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हो सकता, हो सकता है कि कुछ भी ना हो। दैट मीन्स ओपनिंग देखिए फ्रिज गुड्स का मतलब क्या होता है कि प्रीवियस पीरियड का हाँ बस कोई बचा हुआ कोई फ्रिज गुड्स नहीं रखा हुआ, और क्लोजिंग का मतलब क्या होता है कि हम नेक्स्ट पीरियड में कोई भी हम फ्रिज गुड्स ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो दोनों नहीं ले सकते हैं। लेकिन पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर गिवन है आपको यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड कितना हुआ 4,000, लेकिन सोल्ड कितना कर रहे हैं 3,600, यानी जो रिमेनिंग 400 है उसका क्या हुआ होगा, उसको हम वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू दी नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, और कैन से वी आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड दी क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है 400, वी आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड दी 400 फिनिश गुड्स टू दी नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, तो देखिए यानी कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स का हमारे पास क्वांटिटी कितनी 400, लेकिन उसका हमें अमाउंट ही नहीं पता, हमें उसका अमाउंट नहीं पता, तो हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे ये देखिए, तो देखिए हम वैसे क्या करते हैं, ओपनिंग फिनिश गुड्स गिवन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं मत लिखो, उसके बाद माइनस करेंगे हम क्लोजिंग फिनिश गुड्स, उसका हमें अमाउंट निकालना होगा। देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पर अमाउंट, देखिए फिनिश गुड्स यानी कि जितना भी अब तक खर्चा होगा वो सब आया होगा। आप देखिए ये जो अमाउंट आपके पास, ये क्या अमाउंट आपके पास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इस साल जो भी प्रोड्यूस हुआ उसका खर्चा ये हुआ होगा। आप ध्यान से देखिए खर्चा कितना हुआ 2,81,600, कितने यूनिट्स पे, कितने यूनिट्स हमने इस पीरियड में कितनी बनाई, प्रोड्यूस कितनी करी 4,000। देखिए 4,000 गिवन है ना, हाँ देखिए 4,000 प्रोड्यूस ही है। अब हमें कितनी बाहर निकालनी है हमें क्लोजिंग के लिए, कितना हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं 400, उसकी कॉस्ट को हमें बाहर निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 400 से। ठीक है, नाउ वी विल गेट दी अमाउंट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये आ जाएगा आपके पास 10% ही हो गए तो, सो 28,116।
इस पूरे क्वेश्चन में बस एक यही कंसेप्ट था जो आपको अच्छे से समझ आया। मीन्स अगर आपको कभी ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं गिवन है तो आपको एक बार क्रॉस चेक करना होगा कि द अमाउंट सॉरी द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी सोल्ड आर डिफरेंट और नॉट। इफ दे आर डिफरेंट दैट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सॉरी क्लोजिंग फिनिश गुड्स एंड इफ दे आर नॉट सेम दैट मीन्स वी आर नॉट कैरी फॉरवर्ड एनी काइंड ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स। बस अब आपके पास अच्छा ये तो माइनस करेंगे हम इसको तो ये आपके पास आ जाएगा 253,440। ये क्या आ जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है अब बस ऐड क्या करेंगे हम सेलिंग ओवरहेड्स सेलिंग ओवरहेड देखिए कितना गिवन आपको 12,000 तो डेट गिवन है डेट ऐड करेंगे टू लैख 65,440। ये क्या आ जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल और इसको क्या बोलते हैं हम टोटल कॉस्ट। अब हमें प्रॉफिट तो निकालना था दैट मीन सेल गिवन आपका होगा सेल देखिए कितना गिवन आपको सेलिंग प्राइस गिवन आपको 100 तो कितनी हमने सेल ऑफ करी होगी देखिए 3,600 कितना हो जाएगा ये 3,60,000 टोटल सेल अमाउंट। तो प्रॉफिट कितना आया होगा इन दोनों का डिफरेंस 94,560 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 31 मार्च। सेल्स गिवन आपको 2,75,000 ओपनिंग इन्वेंटरी गिवन आपको क्या गिवन ओपनिंग डेट पे आपको फिनिश गुड्स ओपनिंग फिनिश गुड्स एज वेल एज वर्किंग प्रोग्रेस ओपनिंग परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द ईयर 1,10,000 मटेरियल इन्वेंटरी आपको इन द बिगिनिंग गिवन गया है इतनी एंड एट द एंड आपको ये गिवन है यानी कि ओपनिंग ओपनिंग रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग क्लोजिंग गुड्स। ओके डायरेक्ट लेबर गिवन आपको 65,000 फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन आपको 60% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इन्वेंटरीज एट द एंड गिवन आपको वर्किंग प्रोग्रेस एज वेल एज फिनिश गुड्स अदर एक्सपेंस गिवन आपको सेलिंग एक्सपेंसेस एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 5%। अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपको गिवन है 5% ऑफ सेल्स तो इसको आप जो ऑफिस एंड एडमिशन ओवरहेड से मत इसको जोड़ लेना बिकॉज देखिए ऑफ सेल है यानी कि जितनी सेल करोगे तभी तो उतना यानी कि किसका पार्ट बन जाएगा अब ये बन जाएगा आपका सेलिंग ओवरहेड का। ठीक है क्योंकि सेल पे दोनों का सेल तो बस आपको प्रिपेयर करना है कॉस्ट एंड प्रॉफिट तो निकल आएगा आराम से काफी इजी क्वेश्चन। देखिए कॉस्ट शीट पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट
Now let's start with the raw material. देखिए opening देखिए कितने given आपको 3000, उसके बाद आपको raw material purchase given आपको 110,000, closing material given आपको 4000, net labor given आपको 65,000. तो पहले तो raw material concept लिख दें सारे सारे. देखिए opening opening material 3000, purchase material 110,000 less closing material 4000. ये आपके पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 109,000. अच्छा सॉरी, इसको तो इनर कॉलम में ही लिखेंगे. Now we will add back the direct labor. Which is 65,000. And then finally we will get 174,000. That is prime cost. ये आपके हो गए सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब हम करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड सारे खर्चे. देखिए फैक्ट्री ओवरहेड में देखिए क्या क्या आएगा आपका. तो वर्किंग प्रोग्रेस आपका आएगा फैक्ट्री ओवरहेड. देखिए क्या बोला, 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. देखिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, 65,000. तो उसका 60% ऐड करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड 60% of 65,000, that is 39,000. Add opening work in progress less closing work in progress. Now, कितना given देखिए. Opening work in progress given आपको 4,000 and closing कितना given आपको 6,000. 4,000. 6,000 and then we will get work cost या factory cost. ये आ जाएगा आपके पास, जैसे मान लीजिए ये आ जाएगा आपके पास 37,000. और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे देन वी विल गेट 211,000 वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट. अब फैक्ट्री से रिलेटेड हो गया, अब क्या करेंगे हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से रिलेटेड. अच्छा देखिए यहाँ पर आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से रिलेटेड कुछ भी गिवन नहीं है. सो दैट मीन्स आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो यही हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन में आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से रिलेटेड कोई भी खर्चा गिवन नहीं है. तो देखिए अब इसी को मैं यहाँ पर ये आपका यही आपका देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा आपका, यही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा. तो बस अब हम करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स.
So opening finished goods less closing finished goods. ये गिवन है, ओपनिंग गिवन है कितना, 7000, क्लोजिंग गिवन आपको 8000. टू लैख 10000 यह आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फॉर सेल. अच्छा मैंने आई थिंक ऊपर कुछ गलत लिख दिया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल आएगा यहाँ पर. ये बस अब हमको क्या करना है, सेलिंग ओवरहेड लास्ट में हमें गिवन था, सेलिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ सेल्स. अच्छा सेल्स गिवन है तो पहले अब हमें सेल्स गिवन है. सेल्स कितना गिवन है आपको, 2,75,000. तो पहले तो हम सेल्स लिख देते हैं फिर. तो टू लैख 75,000 देखिए इसमें हम पहले ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. सेलिंग एक्सपेंस आपके 10% है, वो आपके 5% है. सो ये हो जाएगा आपका 27,500 एंड ये हो जाएगा आपका 13,750. तो इसका जो टोटल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 41,240. इनको ऐड बैक करके सब हो जाएगा आपका ये 251,215. ये क्या हो जाएगा, क्या जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट. That's it. Now we will get the amount of profit. ये profit आया आपके पास 23,750. So this will be the final answer. I hope आपको अच्छे समझ आ रहा होगा. Now let's move on to next question. The following data relate to the manufacture of standard core product during the 4 week ending. Raw material consumed, dead given आपको, dead wages. Machine hours worked 950 hours, machine hour rate इतना. तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आपका मशीन कहाँ पर होता है, आपका फैक्ट्री सेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड हमको काउंट हो जाएगा. ऑफिस ओवरहेड गिवन आपको 15% ऑफ वर्क कॉस्ट. सेलिंग ओवरहेड गिवन आपको 0.35, दैट मीन्स 37% ऑफ वॉट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. यूनिट्स प्रोड्यूस कितना गिवन है, 20,000. यूनिट सोल्ड 18,000. आपको याद आ गया होगा जब भी यूनिट्स प्रोड्यूस एंड अगेन जब यूनिट्स प्रोड्यूस एंड यूनिट सोल्ड डिफरेंस होता है, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स. ठीक है तो करते हैं इसको भी. देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट शीट. Particulars. Details. Amount. तो देखिए रॉ मेटेरियल कंज्यूम्स आपको डेड गिवन आपको.
amounting rupees 20,000. Now we will add direct wages. अमाउंटिंग रुपीज 12,000. और कोई आपको डेट गिवन नहीं है, सो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट. दैट इज 32,000. अब हम आएंगे फैक्ट्री पे, वो आपको क्या गिवन है देखिए. यहाँ पर लिखेंगे मशीन आर वर्क. कितना गिवन है देखिए आपको, वो 950 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, तो ये फाइनल नंबर होना जाएगा आपका 1900. ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपको गिवन नहीं है, सो वी विल इग्नोर. देखिए ऐसा नहीं है कि गिवन नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते. गिवन नहीं है मतलब ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी गिवन नहीं है. आप इस तरह समझिए, जैसे जैसे कि मान लीजिए अगर आप लाइक कहीं पर मान लीजिए क्या नाम है किसी कहीं पर आप जा रहे हो तो काफ़ी बड़ा गेट है, तो जैसे होता है ना जैसे एंट्री का अलग होता है एग्जिट का अलग होता है. एंड मान लीजिए कोई बोर्ड ही नहीं है तो एंट्री का ना क्लोजिंग का है, तो वही आने जाने का साथ ऐसा समझ लीजिए, मतलब ना तो ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, तो मतलब कुछ भी गिवन नहीं है, आप कैसे भी आ जा सकते हो. तो बस ये टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा ये 33,900. ये क्या जाएगा आपके पास, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट. नाउ वी विल ऐड ऑफिस ओवरहेड. ऑफिस ओवर कितने के बने, 15% ऑफ वर्क कॉस्ट, दैट मीन्स 15% ऑफ 33,900. सो दिस विल बी 5,085. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. So, देखिए यहाँ पर ओपनिंग फिनिश गुड्स गिवन नहीं है, सो दिस विल बी नेल. बट क्लोजिंग गिवन नहीं है, बट वी नीड टू फाइंड आउट कैसे निकालेंगे. देखिए वही सेम टोटल, देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितना खर्चा हुआ, 38,985. इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 20,000. सोल्ड कितने कर रहे हैं, 18,000. दैट मीन्स कितनी क्वांटिटी हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं टू द नेक्स्ट ईयर, 2,000. सो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000, दैट्स इट. नाउ वी विल गेट द फाइनल अमाउंट, कितना जाएगा ये 3,899 करते हैं इसको हम. लेस करेंगे सो वी विल गेट 35,086. तो देखिए यहाँ वापस क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल. उसको आप कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स भी लिख सकते हो. ओके, बस अब आप ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड्स. सेलिंग ओवरहेड कितने के बने, 0.35% ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, दैट इज 0.37 मल्टीप्लाई बाय 18,000.
So this will be 6,660. So this will be 41,746. क्या आ जाएगा आपके पास ये कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट. नाउ वी विल ऐड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड देन फाइनली वी विल गेट सेल्स. सेल्स कितनी यूनिट सोल्ड करी हमने 18,000 कितने पे एट रुपीज 2.5. तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ सेल दैट इज 45,000 एंड द डिफरेंस दैट विल बी योर प्रॉफिट दैट इज 3,254. So this will be the final answer. I hope आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा. Now let's move to next question. That is question number 5. Prepare a question showing the cost per ton of paper manufactured by JJ Paper Mills in January 2021 under the different elements of cost. तो क्या गिवन देखिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो आपको डायरेक्ट अमाउंट गिवन है, सबको ऐड करके आ जाएगा आपके पास प्राइम कॉस्ट. फैक्ट्री ओवरहेड देखिए क्या गिवन आपको फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल. वेरिएबल कितने गिवन है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड फिक्स कितना है 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. फिर आपको ऑफिस एंड एडमिशन ओवरहेड गिवन है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड गिवन आपको 20% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फिनिश पेपर मैन्युफैक्चर कितने हुए 1000 टन्स. क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ वेस्ट अच्छा सेल वेस्ट गिवन आपको दैट इज 2000. एंड देन डिस्क्राइब वैल्यू ऑफ दिस स्पेशल इक्विपमेंट आफ्टर रिलेशन अमाउंट नेल. ठीक है मतलब कुछ स्क्रैप निकला होगा लेकिन उसको कुछ निकला ही नहीं मतलब उसकी कोई कॉस्ट नहीं निकली. चलिए इसको करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 कॉस्ट शीट. Particulars, details, amount. तो पहले क्या है देखिए डायरेक्ट मटेरियल खर्चे क्या क्या है पेपर पल्प एंड मिसलेनियस मटेरियल कितना 1000 पर 1000 मटेरियल 50 दैट इज 2000 मटेरियल का है 30 सो कितना जाएगा 50,000 प्लस 6000 सॉरी जस्ट होल्ड आई थिंक तो देखिए आपको अदर मिसलेनियस मटेरियल कितने गिवन है 2200 मल्टीप्लाई बाय 330 तो कितना जाएगा आपका 6000. सो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम पेपर पल्प फिफ्टी थाउजेंड एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 6000. हम लिखेंगे
that labor डायरेक्ट लेबर के देखिए क्या गिवन आपको 220 स्किल्ड मैन फॉर 25 डेज रुपीज 5 पर डे. तो कितना जाएगा आपका 220 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 5. देन फॉर अनस्किल्ड 110 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 4. देखेंगे स्किल्ड लेबर that is 220 multiplied by 25 multiplied by 5 for unskilled hundred and ten multiplied by 25 multiplied by 4. So this will be 11,000 and this will be 27,500. नो अच्छा ये ऐड कर रहे हैं हम सब इसमें. सो ऐड होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस देखिए क्या गिवन आपको स्पेशल इक्विपमेंट्स एंड स्पेशल डाइज 10,000 एंड 5,000. स्पेशल इक्विपमेंट्स and special dies 10,000 and 5,000. बस अब हम सबको टोटल कर देंगे. दिस विल बी 1,09,500. ये क्या रहा आपके पास प्राइम कॉस्ट. Now we will add all factory expenses. Work cost kitna given acha variable as well as fixed 100% of on net wages and 50% on net wages for the fixed variable for the fixed. Achha. So add variable of direct labor tha. देखिए डायरेक्ट लेबर का टोटल यहाँ कितना आएगा 38,500. इसका टोटल 38,500. सो वेरिएबल कितना है आपका 100%. सो दिस विल बी 38,500 एंड फिक्स्ड आपका 50%. सो दिस विल बी 19,250. ठीक है यही था. अच्छा सॉरी यहाँ पर आपको देखिए गिवन आपको क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ वेस्ट यानी कि जो स्क्रैप निकला था उसके बेचने पे जो है कुछ अमाउंट आपको मिला है दैट इज कितना 2,000 का. ठीक है तो वो हम माइनस करेंगे. सो माइनस करेंगे यहाँ पर क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ वेस्ट अमाउंटिंग रुपीज 2,000. ये यहाँ पर नहीं आएगा. आपको वैसे जैसे मैं लास्ट क्लास में बताता आपको कि सेल ऑफ वेस्ट में और सेल ऑफ स्क्रैप में डिफरेंस है. सेल ऑफ वेस्ट मतलब होता है जब आपने मटेरियल परचेज किया तो कुछ जो परचेज किया उसमें कुछ जो है मटेरियल जो वेस्ट निकलाता है तो उसको हम तुरंत ही बेचते हैं. ठीक है तो इसको क्या करेंगे हम वहीं पर लेस करेंगे. तो यहाँ पर मैं कहता ना मैं ना यहाँ लेस कर देता हूँ. ठीक है
credit on account of sale of waste. How much? 2000. So this will be 1,07,500. Okay. That's it. Now total करेंगे अब हम. इन सब का total बन जाएगा आपका. ये आ जाएगा आपका 57,750, and the sum of all will be 1,65,250. So this will be your work cost. Now move on to next. हमारा क्या हो गया? Factory cost हो गया. उसके बाद क्या करेंगे? Office and admission overheads. That is 10% on work cost. Plus office overheads. So 10% है, simple है, 16,525. That's it. ये क्या आ जाएगा आपके पास? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. बस अब हम क्या करेंगे? सेलिंग ओवरहेड. अच्छा, पहले देखेंगे ओपनिंग क्लोजिंग कुछ गिवन है आपको. ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स, बिकॉज मोस्टली मिस्टेक यही होती है क्वेश्चन में. नहीं, हमें कुछ गिवन नहीं है और उससे रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन भी नहीं है. सो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, ठीक है, यही आपके पास आ जाएगा फाइनल. बस हम ऐड करेंगे वहाँ पर सेलिंग ओवरहेड. सेलिंग ओवरहेड कितना गिवन आपको? 20% ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. प्रॉफिट. अच्छा, सेल्स और प्रॉफिट कुछ भी गिवन नहीं है हमें निकालना है यहाँ पर. अच्छा, कॉस्ट पर टन निकालनी है. तो टोटल कॉस्ट तो यही होगा आपके पास. देखिए टोटल कॉस्ट तो यही होती है, पर टन देखना है आपको यहाँ पर, ठीक है ना. पर टन देखिए कितना टन टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ. फिनिश पेपर मैन्युफैक्चर्ड कितना हुआ? 1000. बस उसको 1000 डिवाइड कर देंगे, कॉस्ट पर टन निकल आएगा आपके पास. देखिए कॉस्ट पर टन, टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 218,130. कितना मैन्युफैक्चर हुआ? 1000. सो योर आंसर विल बी दिस वन. योर रिविधि फाइनेंसर दिस विल. आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा. सो इन दिस वीडियो वी हैव डन फर्स्ट 5 क्वेश्चन. नाउ रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू.